नमस्कार दोस्तों, और आज जो वीडियो हम बना रहे हैं ये वीडियो जीएसटी के बारे में, और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बस यही है क्योंकि मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं जीएसटी से संबंधित। लोग जानना चाहते हैं कि जीएसटी आने के बाद काम करना आसान हुआ या मुश्किल हुआ। बहुत सारे लोगों के हाथ पैर फूल गए हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको जीएसटी लेना है या नहीं लेना है। पहले जो वैट का प्रोसेस था, वैट का रिजीम था, उसकी तुलना में अब जीएसटी आने से क्या फ़र्क पड़ा। फॉर्मेलिटीज़ जो थी, जो शुरू में जब आप बिज़नेस स्टार्ट करने के पहले जो आप फॉर्मेलिटीज़ करते थे, वैट लेते थे या बाकी चीज़ें लेते थे, अब जीएसटी आने के बाद आपको कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ लेनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने जा रहे हैं। और हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीएसटी आने के बाद, आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि जीएसटी आने के बाद ऑनलाइन बिज़नेस हुआ बहुत आसान, तो कैसे आसान हुआ ये हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों पहले की तुलना में क्या प्रोसेस आसान हुआ, चार्जेस कम हुए, क्या हुआ, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह अब हैं अमेज़ॉन पर जब आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जब आप फ्लिपकार्ट बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उस वक्त जो फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी है हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले जब वैट रिजीम था, तो वैट के तहत जब ऑनलाइन बिज़नेस आप स्टार्ट करने जाते थे, उस वक्त क्या 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 फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ती थी। सबसे पहले तो आपके पास वैट नंबर होना चाहिए था, आपके पास सीएसटी होना चाहिए था, आपके पास आईईसी होना चाहिए था, आपके पास करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए था। एक एक करके डिस्कस करते हैं। वैट सीएसटी आपको आपके पास इसलिए होना चाहिए था क्योंकि आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं और इंटर स्टेट ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि हमारा जो मॉडल है एम्ज़ेड ब्लास्ट का जो बिज़नेस मॉडल है वो है प्राइवेट लेबल बेस्ड, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है। हम अपने स्टूडेंट्स को कभी नहीं कहते कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचिए, क्योंकि अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचिएगा तो आपकी तरह बाकी लोग भी ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचते रहेंगे और वहाँ मार्जिन बहुत बड़ा इशू है। तो अपना प्राइवेट लेबल लेकर आइए, मैन्युफैक्चरर से बात कीजिए, अपना ब्रांड डालिए। शुरू में अगर आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है तो न्यूट्रल ब्रांड लाइए, जो भी तरीका है, ठीक है। तो हमारे केस में हमारे पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड की भी ज़रूरत थी, ठीक है, और उसके बाद करंट बैंक अकाउंट की भी ज़रूरत थी। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या बाकी मार्केट प्लेसेस, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे करंट बैंक अकाउंट नहीं मांगते थे, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट था तो वो भी काम करता था। लेकिन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए, खासकर जब आप बिज़नेस के लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेते हैं, तो उस वक्त आपके पास करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ये चार फॉर्मेलिटीज़ थी, वैट नंबर, सीएसटी नंबर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड और करंट बैंक अकाउंट। अच्छा, अब जब जीएसटी आ गया तो जीएसटी आने के बाद क्या फॉर्मेलिटीज़ है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए किन चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है। ना तो आपको वैट चाहिए, ना तो आपको सीएसटी नंबर चाहिए, और ना ही आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए। तो जब मैं कहता हूँ कि जीएसटी आने के बाद ऑनलाइन बिज़नेस आसान हुआ, तो मैं यही रेफ़र कर रहा हूँ। वैट जो था वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कुछ स्टेट्स में, वैट सीएसटी, जैसे महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, जहाँ की वैट लेने के लिए आपको 40-40 हज़ार रुपया खर्च करना पड़ता था और बहुत सारे लोग वैट नहीं ले पाते थे, बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाते थे, ठीक है। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी यही इशू था, वहाँ पे भी 30-40 हज़ार रुपये लगते थे, शायद वेस्ट बंगाल में भी, गुड़गांव में मतलब हरियाणा में, शायद केरल में भी। तो कुछ स्टेट्स में तो बहुत आसान था, जैसे दिल्ली में बहुत आसान था, तेलंगाना में बहुत आसान था, यहाँ 3-4 हज़ार रुपये में वैट सीएसटी मिल जाता था, लेकिन बाकी स्टेट में वैट सीएसटी लेना इतना आसान नहीं था। ये एक तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था, दूसरा प्रोसेस भी मुश्किल था, बिना सीए के वो प्रोसेस होता नहीं था, और सीए भी कई बार उलफजुल काम कर जाते थे। तो आप देखिए कितना बड़ा ये काम आसान हुआ कि आपको ना वैट चाहिए, ना सीएसटी चाहिए, ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए। ये एक बहुत हैरान करने वाला चीज़ है, लोगों को अभी भी पता नहीं है, लेकिन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी अब नहीं चाहिए जीएसटी के अंतर्गत, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए पहला जीएसटी नंबर, या जिसको हम कहते हैं जीएसटीआईएन या जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो इसका फुल फॉर्म है। तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी हो गया, इसने रिप्लेस कर दिया वैट को, इसने रिप्लेस कर दिया सीएसटी को,
और इसने रिप्लेस कर दिया आईसी को भी, ठीक है। और उसके बाद करंट या सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है, सेविंग बैंक अकाउंट से भी काम हो जाएगा। अगर आपकी कंपनी या बिजनेस नेचर जो बोलते हैं हम लोग, वो अगर मान लीजिए प्राइवेट लेबल है, सॉरी प्राइवेट लिमिटेड है, या एलएलपी है, या वन पर्सन कंपनी ओपीसी है, तो उस केस में आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए। तो अब फॉर्मेलिटीज़ जो है ऑनलाइन बिजनेस के लिए, अमेज़ॉन के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए, स्नैपडील के लिए, यही है जीएसटी नंबर या जीएसटीआईएन नंबर। कंफ्यूज नहीं करिए इस चीज़ को, बहुत सारे लोग परेशान हैं, सर जीएसटी नंबर अलग है, जीएसटीआईएन नंबर अलग, ये सेम चीज़ है। जीएसटी नंबर, इसी को हम कहते हैं जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटीआईएन नंबर, ठीक है। तो आपको एक जीएसटी नंबर चाहिए और दूसरा बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है। तो देखिए काम कितना आसान हुआ। अब ज़रा महाराष्ट्र के जो लोग थे, गुजरात के जो लोग थे, वेस्ट बंगाल के जो लोग थे, केरल के जो लोग थे, अब ज़रा वो देखें, उनको 30-40 हज़ार रुपया खर्च करना है, 2-3 वीक मिनिमम वेट करना है, और उसके बाद उनको वैट मिलता था, सीएसटी मिलता था, फिर वो आईसी के लिए अप्लाई कर। आईसी बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि आईसी का वीडियो जो था वो हम लोगों ने मॉड्यूल 2 में अपने मेंबर्स के लिए अपलोड किया हुआ था, और हमारे मेंबर्स खुद ही आईसी अप्लाई कर लेते थे। अगर डिजिटल सिग्नेचर के साथ करते थे तो 2500 पड़ता था, और विदाउट डिजिटल सिग्नेचर सिर्फ 500 रुपये में हो जाता था। लेकिन वैट, जीएसटी, ये बड़ा प्रॉब्लम था। अब वही महाराष्ट्र के लोग सिर्फ 5-7 हज़ार रुपये में, जीएसटी के चार्जेस अभी 5-6 हज़ार है, और सीए पे डिपेंड करता है, 1-2 हज़ार प्लस माइनस आप लेके चल सकते हैं। तो इसी प्राइस में आपका जीएसटी बन रहा है, और इसके बाद आपको करंट या सेविंग बैंक अकाउंट चाहिए, सिर्फ 2 फॉर्मेलिटीज़ बची है, ठीक है। यही 2 काम आपको करना है। तो अब जीएसटी के बारे में कुछ और बातें, बहुत सारा क्वेश्चन आता है मेरे पास, और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि जीएसटीआईएन नंबर या जीएसटी नंबर के लिए 20 लाख या उससे अधिक का कारोबार होना ज़रूरी है। ये सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर सब लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर जीएसटीआईएन के लिए 20 लाख का बिज़नेस होना ज़रूरी है, लेकिन अभी तो हम लोग काम शुरू कर रहे हैं, हमारा तो 20 लाख का सालाना कारोबार नहीं है, तो फिर क्या हमें जीएसटीआईएन की ज़रूरत है? तो हाँ, ज़रूरत है, क्योंकि ये तो एक क्लाउज हुआ, इसके बाद कुछ और क्लाउज हैं। इसके बाद एक क्लाउज है कि इंटर स्टेट या अंतर राज्यीय या एक राज्य से दूसरे राज्य में जब आप बिज़नेस करते हैं, जो कि हम करते हैं ऑनलाइन बिज़नेस के केस में, तो उसके लिए आपके पास जीएसटीआईएन होना चाहिए, यानी कि हमारे पास जीएसटीआईएन होना चाहिए, ठीक है। एक और क्लाउज है कि ऑनलाइन बिज़नेस में भी जीएसटीआईएन होना चाहिए। तो पूरा इससे जिसका जो तात्पर्य है वह यही है कि आपके पास जीएसटीआईएन नंबर होना चाहिए अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बाकी जगह पे काम करने के लिए। ईबे में मैं काम नहीं करता, मुझे ईबे का नहीं पता, ईबे पे शायद नहीं चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ है, ठीक है। अब जीएसटी का तो हम लोगों ने समझ लिया मोटा मोटी, ये आईसी के साथ क्या खेल हुआ है अब इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। कि अब आईसी को इन लोगों ने हटा दिया, आईसी के बदले में अब आ गया है जीएसटीआईएन, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपके पास अगर जीएसटीआईएन है, तब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के टाइम आप अपने जीएसटीआईएन नंबर को वहाँ डिक्लेयर कीजिए, आईसी डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत अब नहीं है, ठीक है। और जो हमारे पुराने मेंबर हैं, जिनके पास पहले से आईसी था, जिनके पास पहले से वैट नंबर था, उनको क्या करना है, उनको वैट को जीएसटीआईएन में कन्वर्ट कर लेना है, और वैट जब जीएसटीआईएन में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद आईसी के साथ उनको कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब आईसी की ज़रूरत तो है नहीं, अब तो जो जीएसटीआईएन उनका है वो वही यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अब सरकार ने क्या किया, पहले जो आईसी नंबर होता था वो 10 अंकों का होता था, ठीक है, 1 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, इसका कॉम्बिनेशन से आपको आईसी बनता था और सरकार ये आपको अलॉट करती थी। जुलाई के बाद ये सिस्टम ख़त्म हो गया। अब जब आप आईसी लीजिएगा, कुछ केस में आईसी अभी भी बनवाना ज़रूरी है, मैं बात करूँगा उसके बारे में भी। तो अब जब आप आईसी बनवाइएगा तो आपको 10 अंकों का आईसी नहीं मिलेगा, उसके बदले आपको अल्फा न्यूमरिक मिलेगा, 10 अंकों का
10 अल्फा न्यूमरिक्स कैरेक्टर का आपको आईसी मिलेगा, जो कि आपका पैन नंबर होगा। यानी कि अगर आप प्रोपराइटर हैं और आप आईसी बनवा रहे हैं किसी स्पेशल केस के लिए, जब जीएसटीआईएन आपको नहीं बनवाना है, मैं इस पे बात करूँगा, तो जब आप आईसी बनवा रहे हैं तो अब सरकार आपको 10 अंकों का, 10 जो इंटीजर्स होते हैं, 10 अंक जो होता है उसका आईसी नहीं देकर आपके पैन कार्ड में जो नंबर है उसी को आपका आईसी बना देगी, ठीक है। और अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लेवल कंपनी है, एलएलपी कंपनी है, ओपीसी कंपनी है, तो उसका जो पैन कार्ड है, कंपनी का जो पैन कार्ड है, अब वही आपका आईसी हो जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल है, जब हम कह रहे हैं कि इंपोर्ट प्रोसेस में जीएसटीआईएन की ज़रूरत है, आईसी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये चीज़ क्यों, फिर आईसी क्यों बन रहा है, किन के लिए बन रहा है? तो एक बार फिर से पिछले स्लाइड पे जाते हैं, तब समझ में आएगा आईसी किन के लिए ज़रूरी है। इस स्लाइड को अगर आप फिर से देखें, इस स्लाइड के हिसाब से ऐसा कारोबारी जिसका सालाना कारोबार 20 लाख से अधिक का है, ऐसा कारोबारी जो इंटर स्टेट काम करता है, और ऐसा कारोबारी जो ऑनलाइन बिजनेस काम करता है, उनके लिए जीएसटीआईएन ज़रूरी है। तो मान लीजिए कोई ऐसा व्यापारी है, मान लीजिए कोई डेली वेस्ट व्यापारी है और उसका सालाना कारोबार 15 लाख रुपए का है, तो उसको जीएसटीआईएन बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो व्यापारी इंटर स्टेट काम नहीं करता है, वो सामान मंगाता है कहीं से, अलीबाबा से, चाइना से, और वो दिल्ली में ही सेल कर देता है, ठीक है, तो उसको जीएसटीआईएन बनवाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा क्लाउज है कि ऑनलाइन बिजनेस में ज़रूरी है। मान लीजिए कि वो ऑनलाइन ही बिज़नेस नहीं करता है, वो डेली बेस्ड कारोबारी है, उसका सालाना कारोबार 15 लाख का है और वो डेली में ही काम करता है, तो फिर उसको जीएसटीएन बनवाने का कोई ज़रूरत नहीं है, जीएसटी उसके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब इस केस में जब उसके पास जीएसटी नहीं है और उसे इम्पोर्ट करना है, तब वो क्या करे? तब उस केस में आपके पास आईसी नंबर होना चाहिए। अब जो जब ये बंदा आईसी नंबर बनवाने जाएगा, तो इसका पैन कार्ड पे जो भी नंबर लिखा हुआ है, अगर इसका पर्सनल पैन कार्ड है, अगर ये प्रोप्राइटरशिप इसकी कंपनी है, तो इसका जो पर्सनल पैन कार्ड नंबर है वही इसका आईसी बन जाएगा। अदरवाइज जो उसकी उसका कंपनी का पैन कार्ड नंबर है वो उसका आईसी बन जाएगा, ठीक है। अभी चीज़ें क्लियर नहीं है, अभी बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बहुत कन्फ्यूज हैं। जैसे जैसे चीज़ें और साफ़ होंगी, हम लोग इस पर और डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो चीज़ मैं लेकर आया हूँ बिल्कुल एकदम मत के मैं लाया हूँ, और अभी जो सिस्टम है, अभी जो रूल है, उसके हिसाब से आपके पास जीएसटीआईएन होना चाहिए, आईसी की ज़रूरत नहीं है। फिर से उसी स्लाइड में हम लोग आते हैं। हम लोगों ने दोनों पॉइंट पे जिक्र कर लिया कि अब इम्पोर्ट के लिए जीएसटीआईएन की ज़रूरत है, और जो भी आईसी जिनको बनवाना है उनका आईसी जो है वो 10 अंकों का डिजिट नंबर सब नहीं मिलेंगे, अल्फा न्यूमरिक मिलेंगे, जो कि पैन नंबर बेस्ड रहेगा, ठीक है। और हमारे केस में तो जीएसटीआईएन ही काम करेगा। चलिए कुछ और बात करते हैं इस पे, जीएसटी नंबर जो है, अब इस पे बात करते हैं कि जीएसटी नंबर है क्या, और किस तरह से जब हम जीएसटी नंबर डिक्लेयर करते हैं, जब हम इंपोर्ट करते हैं, तब जीएसटी नंबर जब आप डिक्लेयर कीजिएगा, बताइए गवर्नमेंट को कि यही मेरा जीएसटी नंबर है, तो कैसे वो बिल ऑफ एंट्री वगैरह या बाकी प्रोसेस कैसे होगा, ये मैं यहाँ आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये एक सैम्पल जीएसटी नंबर है, ये 15 कैरेक्टर है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और इसको डीकोड करना बड़ा ज़रूरी है, इसको समझने के लिए सबसे पहले दो अक्षर जो हैं, ये जो पहले दो अक्षर हैं, ये स्टेट कोड है एज़ पर सेंसस 2011 जनगणना के अनुसार जो भी स्टेट कोड है वो ये है। तो स्टेट कोड जो है वो सेंसस के हिसाब से है, और ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में, यानी जो स्टेट इंडिया के मैप में सबसे ऊपर है, जैसे जम्मू और कश्मीर, तो उसका स्टेट कोड 01 है। इसके बाद हिमाचल का स्टेट कोड 02 है, जहाँ भी मैं हूँ। उसके बाद पंजाब का स्टेट कोड 04, चंडीगढ़ 05। तो इस तरह से उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो स्टेट हैं उनका स्टेट कोड यहाँ पे पहले दो अक्षर। मैं काम करूँगा, इस वीडियो के साथ मैं सेंसस का जो स्टेट कोड का लिस्ट है
वो भी डिटेल में मैं नीचे में डाल दूंगा ताकि आपको पता चले कि आपके स्टेट का कोड क्या होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इन दो कैरेक्टर्स के बाद जो अगले 10 कैरेक्टर है, ठीक है, जिसको मैंने पिंक में डिफाइन किया हुआ है, ये पैन कार्ड नंबर है। ये पैन कार्ड नंबर है, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप है तो ये इंडिविजुअल का पैन कार्ड नंबर होगा, अगर आपकी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड या LLP या फिर OPC उस केस में ये आपका कंपनी का पैन कार्ड होगा। तो अब जब हम बात करते हैं कि इंपोर्ट प्रोसेस के टाइम आपका IEC की आपके IEC की ज़रूरत नहीं है, जो एंट्री होगी वो पैन के अगेंस्ट होगी और आपको उस वक्त डिफ़ाइन करना है, बताना है अपना GSTIN नंबर। तो जब आप GSTIN नंबर बताइएगा इंपोर्ट के दौरान तो वो यहाँ से आपका पैन कार्ड नंबर उठाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो वर्ड है ये है कि टोटल रजिस्ट्रेशन विद इन स्टेट, उस स्टेट में आपका टोटल कितना रजिस्ट्रेशन है ये वो डिफाइन करेगा। Z जो है वो कांस्टेंट है और यहाँ जो लास्ट में 5 है ये एरर कोड है, ये 1 से लेकर 5 तक है और ये मैंने इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा मगर ये एरर कोड है। तो ये जो GSTIN नंबर है आपके 15 कैरेक्टर्स का है और यहीं पे आपका पैन कार्ड डिटेल है जो कि हर GSTIN के साथ अब अटैच रहेगा। और अगर आपकी कंपनी इंडिविजुअल कंपनी है, कहने का मतलब प्रोप्राइटरशिप है, तो आपका पर्सनल पैन कार्ड नंबर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। मुझे लगता है अब समझ ये चीज़ें क्लियर है कि किस तरह से GSTIN के जब इंपोर्ट के टाइम आप GSTIN डिफाइन करेंगे तो कैसे वो आपका पैन कार्ड डिटेल उठाएंगे, कैसे आपका IEC डिटेल उठाएंगे, है ना। इसके बाद जो एग्जिस्टिंग वैट के यूज़र हैं, जिनके पास एग्जिस्टिंग वैट है, वो क्या करें, उनको सिर्फ एक काम करना है और वो है कि उनको अपने वैट को कन्वर्ट करवा लेना है GSTIN में, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड उसके बदले उनको GSTIN नंबर यूज़ कर रहा है, ठीक है। और यूज़ GSTIN इंस्टेड ऑफ IEC, ओके इट्स क्लियर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की अब ज़रूरत नहीं है, उसके बदले अब आपको GSTIN यूज़ करना है। इस अब आइए GSTIN के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, जो GST नंबर आपको लेना है, बनवाना चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, अगर आप प्रोप्राइटरशिप में जा रहे हैं तो आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड होना चाहिए, अगर आपने कंपनी रजिस्टर करवाई है प्राइवेट लिमिटेड या LLP या 1% कंपनी OPC उस केस में कंपनी का पैन कार्ड नंबर होना चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज़, आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, अगर आप इंडिविजुअल हैं आपके पास रेंटल एग्रीमेंट है तो आप रेंटल एग्रीमेंट दीजिए, अगर प्रॉपर्टी आपकी अपनी है तो जो भी म्यूनसिपैलिटी का रसीद है या जो भी यूटिलिटी बिल है वो आपको देना है। अगर मान लीजिए वो आपकी पैतृक संपत्ति है मगर वो आपके नाम से नहीं है, आपके माँ के नाम से, आपके पिताजी के नाम से है, उस केस में आपको ये बताना है कि ये यूटिलिटी बिल है जो मेरी माँ के नाम से है और उन्हीं से एक NOC लेटर आपको लिखा कर वहाँ जमा करना पड़ेगा। इसके साथ में आपको बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसे लोग जो कि उन स्टेट्स में रहते थे जहाँ की वैट नंबर थोड़ा मुश्किल था, ठीक है, उनके लिए ये प्रोसेस बहुत आसान हुआ है। लोग ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं, अभी मैं सलाह नहीं दूंगा ऑनलाइन रजिस्टर करने का क्योंकि प्रोसेस अभी बस शुरू हुआ है और जो GST के चार्जेस हैं वो काफ़ी कम है, मतलब अगर CA का फ़ी भी आप इंक्लूड कर लीजिए तो 5-7 हज़ार में ये हो जा रहा है। और चूँकि GST अभी एक नया रिजीम है और आगे भी आपको समझना है कि GST के तहत क्या टैक्सेशन होगा या बाकी चीज़ें भी, आप बिज़नेस में नए हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाएं ताकि कल को आपके मन में कोई सवाल जब हो तो आप जाकर उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर सके, उससे क्वेश्चन कर सके, ठीक है, और वो बड़ा ज़रूरी होगा अगले कुछ महीनों के लिए। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि बजाय इसके कि खुद से GST के लिए अप्लाई कीजिए, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू करवाइए और बाद में आपको और भी चीज़ों में जब उनकी मदद चाहिए होगी आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, एक रिलेशन बनेगा आपका उनके साथ। तो फिर से एक बार सारी चीज़ों को रिपीट करते हैं, बहुत आसान हो गया है काम, ना तो आपको वैट चाहिए, ना तो आपको CST चाहिए, ना तो आपको IEC चाहिए, इसके बदले आपको आज के दिन में सिर्फ GSTIN नंबर चाहिए। जो पहले बहुत खर्च होता था वैट में वो अब कम हो गया है, आप मात्र 5,000 के आसपास खर्च करेंगे और आपका सारा फॉर्मेलिटी पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपके पास बस एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। जब इंपोर्ट आप करते हैं अपना प्रोडक्ट
उस वक्त आपको बस अपना GSTIN नंबर डिक्लेयर करना है और उसी के अगेंस्ट एंट्री होगी, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग यूज़र हैं वो अपने वैट को GSTIN में कन्वर्ट करवा ले और फिर काम स्टार्ट करे। अब जो ये सब सवाल उठ रहा है कि GSTIN आने से टैक्स स्लैब बढ़ गया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पहले मुझे 14% देना पड़ता था, अब मुझे 18% देना पड़ रहा है, 28% देना पड़ रहा है, तो मैंने जैसे पहले बताया ये सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए हुआ है। और जिन लोगों का या जिन प्रोडक्ट्स का टैक्स स्लैब बढ़ा है उनके कारोबारियों ने उसका प्राइस भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ाया है। तो अगर आपके प्रोडक्ट का टैक्स स्लैब बढ़ा है तो अपने मार्जिन को वहीं रहने दीजिए, उसमें जो भी टैक्स एडिशनल ऐड हो रहा है उसको अपने प्रोडक्ट प्राइस पे ऐड कीजिए। और यही काम हर लोग कर रहे हैं, हम भी यही काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी यही काम कर रहे हैं, तो ये कोई बहुत घबराने वाली चीज़ नहीं है। अगर ये टैक्स स्लैब बढ़ा है तो ये सबके लिए बढ़ा है, ठीक है। तो अब GST से रिलेटेड कुछ क्वेरी है आपकी, कमेंट सेक्शन में डालिए, कोशिश करेंगे उसका आंसर करने का। और जो लोग भी वेट कर रहे थे GST का, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो वेट कर रहे थे GST आने का, खासकर महाराष्ट्र वगैरह रीजन से जहाँ GST महंगा था, उनको मैं यही बोलूँगा कि अब बस स्टार्ट कीजिए। टारगेट रखिए दिवाली सेल, अगस्त से लेके 15 अगस्त को अमेज़न का पहला मेजर फेस्टिव सेल आता है, और वो सेल जो 15 अगस्त से शुरू होता है वो जाता है आपका दशहरा, दिवाली, क्रिसमस और वो वैलेंटाइन तक जाता है। यानी ये मार्केट आपको फरवरी तक मिलेगा, स्ट्रांग मार्केट। उसके बाद जाके मार्केट फिर वो डल होता है, फरवरी मार्च के बाद से मार्केट डल होता है, जो कि जून जुलाई तक डल ही रहता है। तो अगर आपके दिमाग में फेस्टिव सीज़न है तो ये बिल्कुल सही टाइम है हाथ डालने का, स्टार्ट कीजिए, फॉर्मेलिटीज़ अब बहुत कम रह गई हैं। और अगर अभी भी आपको परेशानी है कि किस तरह से प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करें, किस तरह से कैटेगरी का सिलेक्शन करें, किस तरह से हम लोग GST वगैरह अप्लाई करें, या बाकी फॉर्मेलिटीज़ कैसे करनी है, या बाकी काम कैसे करना है, कैसे अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट को डाले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल आए, तो फिर आप हमारे वेबसाइट पे जाइए amzblast.com पे, और वहाँ हम आपको 4 सर्विसेज दे रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा जो वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारे पैकेज का वो हिस्सा है, उसके बाद मेंटरशिप, यानी जो भी आपकी क्वेरी होती है उसे हमारे मेंटर आंसर करते हैं। तीसरी सर्विस है जो नॉर्मल टूल्स हैं हमारे, मार्जिन कैलकुलेटर है, शिपिंग रिलेटेड टूल है, एक दो टूल और हम लाने वाले हैं वो टूल्स, और चौथा जो हमारा टूल है जो कि इंडिया का पहला प्रोडक्ट रिसर्च टूल है, ये टूल बड़ा स्पेशल है। इस टूल को यूज़ करके आप बहुत आसानी से जो पोटेंशियल प्रोडक्ट है जो मार्केट में चल रहा है, या जो जिस प्रोडक्ट में बहुत पोटेंशियल है, आप उस प्रोडक्ट को बड़े आसानी चंद मिनटों में देख सकते हैं। जो PRT टूल है हमारा, प्रोडक्ट रिसर्च टूल है, ये इंडिया का पहला PRT टूल है, और हमने कोशिश की है कि इसका एक्यूरेसी लेवल 90% प्लस रहे, जो हम मेंटेन कर रहे हैं, और एक बहुत ज़बरदस्त टूल है। और YouTube पे आप हमारा वीडियो देख सकते हैं PRT संबंधी, जिसमें कि हमने दिखाया कि किस तरह से बस कुछ क्लिक्स में आप प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, आप उसके मंथली सेल, मंथली रेवेन्यू, जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो देख सकते हैं, कैसे उसके सप्लायर्स तक पहुंच सकते हैं, सारा चीज़ हम लोगों ने PRT टूल में डाला हुआ है। धीरे धीरे PRT टूल जो है वो और रिफाइन हो रहा है, उसमें जो कमियां हैं हम उसे और फिक्स कर रहे हैं। तो जाइए MZ Blast पे और चेक कीजिए हमारी सर्विसेज को।